टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको तीन ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जो 10,000 के अंदर में आता है और इन तीनों स्मार्टफोन के सारे स्पेसिफिकेशन काफी हद तक बेहतर हैं। यानी कि आसान भाषा में कहूं तो ये फोन नॉर्मल यूजेज के लिए काफी बढ़िया है और साथ ही साथ इसमें आप नॉर्मल गेमिंग भी कर सकते हो। इन तीनों फोन में आपको डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा, प्रोसेसर बजट के हिसाब से बेहतर मिलेंगे। फिर से आपको बता दे कि ये फोन नॉर्मल यूजेज के लिए, जैसे कि मम्मी पापा के लिए चाहिए तो इस फोन की तरफ जा सकते हैं। सिर्फ मम्मी पापा ही नहीं, अगर आप भी फोन कम यूज करते हैं तो इस फोन को ले सकते हैं। और हाँ, एक बात, इस वीडियो में आपको दो तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे, एक वर्सेस वाला, दूसरा अंडर 10K, अंडर 12K, यानी के 10,000 के नीचे में, 12,000 के नीचे में इस तरह का वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे और कम टाइम में अपने लिए एक बढ़िया सा फोन चूज कर पाओ। इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। मोटोरोला G31 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले, 700 निट्स ब्राइटनेस एंड फुल HD प्लस रेजुलेशन। इसमें आपको क्लियर वीडियो देखने को मिलेगा। इन्फिनिक्स हॉट 12 6.82 इंचेस का HD प्लस LCD IPS डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 180 टच सैम्पलिंग रेट और साथ में 460 का निट्स ब्राइटनेस। इसमें भी आपको क्लियर वीडियो देखने को मिलेगा। रियलमी C33 6.5 इंचेस का HD प्लस LCD डिस्प्ले, 120 टच असेंबली रेट और 400 निट्स की ब्राइटनेस। इसमें भी क्लियर कंटेंट देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिस्प्ले में मोटोरोला G31 बेस्ट है। अब चलते हैं कैमरा की तरफ। मोटोरोला G31 में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड विथ डेप्थ सेंसर एंड माइक्रो विजन कैमरा और फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का। इन्फिनिक्स हॉट 12 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस एंड ऑल लेंस भी और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का। रियलमी C33 में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 0.3 मेगापिक्सल का लेंस और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का। कैमरा में भी मोटोरोला G31 बेस्ट है। फोन लेने से पहले कैमरा टेस्टिंग वाला वीडियो जरूर देख लेना। YouTube पे सर्च करना मोटोरोला G31 कैमरा टेस्टिंग, यही नहीं किसी भी फोन का इस तरह से सर्च करके देख सकते हो। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। मोटोरोला G31 5000mAh की बैटरी और 20 वाट का चार्जिंग सपोर्ट। इन्फिनिक्स हॉट 12 6000mAh की बैटरी और 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। 5000mAh की बैटरी और 10 वाट का चार्जिंग सपोर्ट। इसमें आप खुद डिसाइड कीजिए बड़ी बैटरी चाहिए या फास्ट चार्जिंग। अब चलते हैं प्रोसेसर की तरफ। मोटोरोला G31 में मीडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर, अंततः स्कोर 22,03,000 के आसपास आता है। इसमें गेमिंग आसानी से कर सकते हो। इन्फिनिक्स हॉट 12 मीडियाटेक हेलियो G37 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, हाई सेटिंग पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा गेम खेलते टाइम। रियलमी C33 यूनिसेक T612 प्रोसेसर और अंततः स्कोर 22,01,000 के आसपास आता है। लो गेमिंग कर सकते हो। प्रोसेसर में भी मोटोरोला G31 बेस्ट है। आप जानते हैं OS के बारे में। मोटोरोला G31 में आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 आता है, अपडेट के बाद 12 हो जाएगा एंड 13 भी। इन्फिनिक्स हॉट 12 XOS 10 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11। इन्फिनिक्स के फोन में ऑन डिस्प्ले एड देखने को मिलेगा। रियलमी C33 रियलमी UIS एडिशन बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12। OS में भी मोटोरोला G31 बेस्ट है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो मोटोरोला G31 में 4G का सपोर्ट है, ब्लूटूथ का सपोर्ट है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, वाईफाई का भी सपोर्ट है, NFC का सपोर्ट नहीं है और साथ ही साथ फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। इन्फिनिक्स हॉट 12 4G का सपोर्ट है, ब्लूटूथ का भी सपोर्ट है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, वाईफाई का भी सपोर्ट है, NFC का सपोर्ट नहीं है और फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी। रियलमी C33 4GB का सपोर्ट, ब्लूटूथ का सपोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, वाईफाई का सपोर्ट भी है, NFC का सपोर्ट नहीं है, फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर। प्राइस के बारे में जानने से पहले ये बता दूं कि इस फोन के जितने भी मेन फीचर्स थे ये बता दिया, बाकी के बेजल्स, लुक एंड डिजाइन, ऑडियो जैक, ये सब तो चेक करते टाइम खुद ही दिख जाएगा आपको। ओके, और ये प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, इस बात को ध्यान में रखें। मोटोरोला G31 464GB 9999 में, इन्फिनिक्स हॉट 12 464GB 8899 में, रियलमी C33 464GB 9999 में। सारे स्पेसिफिकेशन के मामले में मोटोरोला G31 बेस्ट है। वैसे आपको कौन सा फोन सही लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और जाते जाते रेड कलर पे क्लिक करके देखना क्या होता है।